किसी ने सच ही कहा है, जीतने की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक सोचा नहीं। और ये साबित किया है एक ऐसे शख्सियत ने जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। दुनिया का हर इंसान जानता है कि मून पे पहला कदम रखने वाला इंसान है नील आर्मस्ट्रांग। उन्होंने ये करके इतिहास रच डाला है। उन्होंने ये कारनामा 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन में किया। नील आर्मस्ट्रांग का जन्म 5 अगस्त 1930 को वेबेकोनेटा यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो दो मिशन में शामिल थे, जेमिनी 8 और अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रांग एक प्रतिभाशाली इंसान थे। 16 साल की उम्र में क्वालिफिकेशन के बल नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स में वो टेस्ट पायलट बन गए थे। उन्होंने इस उम्र में ही 78 कॉम्बैक्ट मिशन कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने और भी तरह तरह के प्लेन उड़ाए। उनकी और भी खासियत थी, वो गाना लिखते थे और डायट करने का भी शौक रखते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने BSc की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पुर्दे यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने एरोस्पेस में MSc की। बात है 1 जून 1962 की। उस वक्त नासा एस्ट्रोनेट हायर कर रहे थे। इसके लिए नील ने नासा में एप्लीकेशन दी थी, पर रिजेक्ट कर दी गई। उन दिनों नील के एक फ्रेंड थे जो नासा में असिस्टेंट हेड ऑफ फ्लाइट क्रू के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे। उन्होंने नील के एप्लीकेशन को सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में डाल दिया था। नासा ने अपोलो मिशन की ट्रेनिंग शुरू की। 29 कैंडिडेट में नील का भी नाम था। फिर फाइनल सिलेक्शन की बारी आई। वो दिन जनवरी 1996 था, जिसमें बताया गया कि सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट को चुना गया है। उनमें नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। नासा ने अप्रैल में ये क्लियर किया कि नील वो शख्स हैं जो मून पे अपना पहला कदम रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 1969 की, जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके क्रू मेंबर ने अपोलो 11 में अपने साथ पूरे देश के सपने को लेकर उड़ान भरा। जो रॉकेट लॉन्च होकर नील और उनके क्रू मेंबर मून मिशन पे लेके गया, उसका नाम था द स्टर्न वी रॉकेट। जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहले कदम मून पे रखा तो दुनिया को पता चल गया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नील ने करीब 60 मीटर तक मून पे वॉक किया। मैं बात कर रहा हूँ उस पल की जिस वक्त नील ने मून पे कदम रखा था। उन्होंने उस वक्त हिस्ट्री के कुछ फेमस शब्द बोले थे। उन्होंने बोला, दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जेंट लीप फॉर मैनकाइंड। 1971 में नील आर्मस्ट्रांग ने नासा से रिजाइन कर दिया। उन्होंने उसके बाद शांत लाइफ जीना शुरू कर दिया। नील ने प्रोफेसर के रूप में भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनेटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू किया। नील बहुत सारे अवार्ड से नवाजे गए, जिसमें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन 1963, द हबर्ट मेडल इन 1970, द कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर 1978 और द जनरल जेम्स ई हिल लाइफ टाइम स्पेस अचीवमेंट अवार्ड शामिल है। हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने की, जब वो अपने बाईपास सर्जरी से रिकवर कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए और उनकी ये बात सबसे छुपाई गई थी। उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर ने उनके ब्लड को ड्रेन किया, लेकिन इस मेडिकल ट्रीटमेंट से उन्हें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं पहुँचा। इस बीमारी से वो बाहर नहीं आ पाए और 25 अगस्त 2012 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत सिंसिनेटी और यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। उनकी मौत ने दुनिया को झकझोर के रख दिया। नील आर्मस्ट्रांग इस दुनिया से चले गए, पर उन्होंने जो योगदान दिया है स्पेस ट्रेवल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून में, वो सदियों तक याद रखी जाएगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नील आर्मस्ट्रांग की लाइफ जर्नी एक मैसेज है यूथ जनरेशन के लिए। XCHM डिजिटल का एक छोटा सा प्रयास है यूथ के लिए। आप अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। हम जल्द मिलेंगे और एक पॉजिटिव स्टोरी के साथ।